दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि दूसरों के भरोसे पे सिर्फ अपना काम करना मूर्खता होती है। दोस्तों अगर आप अपना बिना दिमाग लगाए, अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर उनकी बातों को सच समझकर अपना काम करेंगे तो हो सकता है कि 50% आप फेल हो सकते हैं, और ये फेल की वजह आप कभी भी एनालिस नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल हार्डवेयर में उस जैसे फॉल्ट को पहचानना है कि आधी रिपेयरिंग सीखी और फॉल्ट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चालू कर दिया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरों के लिए फैसले पे काम करने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और यह स्टोरी बहुत ही रोचक है, इसको सुनिएगा जरूर। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव का एक आदमी था जो बहुत मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। किसी कारण उसकी एक आंख चली गई, फूट गई मतलब, और लोग उसको एक हाथ से काना कहकर चलाने लगे। उसको बहुत गुस्सा आता था, तो उसने सोचा कि लोगों को मजा चखाया जाए। तो उसने क्या किया कि दूसरी आंख भी फोड़ ली और गांव पर रास्ते में दौड़ते हुए चिल्लाने लगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और ये सुनकर सभी लोग बड़ी आश्चर्यचकित से देखने लगे कि ऐसे कैसे। तो सरपंच ने उसको रोका गांव के और बोला कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो उस आदमी ने बोला कि मुझे एक रात एक सपने में एक आवाज आई कि अगर तुम अपनी दूसरी आंख भी फोड़ लोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो वो आदमी ने उस सपने में उस आवाज से कहा कि अगर मैं वाकई में ऐसा करता हूं तो क्या जरूर होंगे। उसने कहा हाँ बिल्कुल होंगे, और उसने अपनी आंखें फोड़ ली और उससे भगवान के दर्शन हुए। ये बात सुनकर सरपंच ने कहा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, और उसने अपनी आंखों को फोड़ लिया। आंखों को फोड़ने के बाद उसने उस अंधे के कान में जाके कहा कि यार मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो उस अंधे व्यक्ति ने सरपंच के कान में कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, लोगों से यही कहो कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए, नहीं तो लोग तुमको मूर्ख समझेंगे। दोस्तों तो सरपंच ने आपको बुद्धिमान साबित करते हुए और मूर्ख ना साबित करने के कारण सिर्फ ये बोला लोगों से कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जब सरपंच को करते हुए लोगों ने ये देखा तो लोगों को लगा कि यार इस बात में दम है, क्योंकि सरपंच कर रहा है। तो सब लोगों ने अपनी आंखें फोड़ ली और सभी लोग वही मूर्खताक से बचने के लिए एक ही बात कहने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं और यही चीज समझा चुका हूं, आधा तो आप समझ चुके होंगे कि दूसरों के लिए फैसलों पर अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा। अपनी मूर्खता को बचाने के लिए आप कुछ भी अलग सलग आप यहां वहां की बातें करेंगे। दोस्तों कभी भी कोई काम कीजिए, उस पर खुद वर्क कीजिए और अपना खुद का फैसला बनाइए। हाँ अगर कोई समझदार आदमी आपसे कहता है जो उस फील्ड में काफी समझदार है, काफी एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल उसकी बात सुनिए। बट अगर आप किसी भी व्यक्ति की राह चलते हुए लोगों की अगर आप किसी भी रिश्तेदारों की या किसी भी ऐसे लोगों की जिसका उस फील्ड से कोई नाता ही नहीं है, अगर आप उनकी सलाह लेते हैं और उसके बारे में वो सलाह देते हैं आपको कि ये बिल्कुल बेकार है, ये चीज घटिया है, ये चीज तो होती ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों दुनिया में सभी चीज होती है, सभी चीज बहुत अच्छी चल रही है, हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है। बट हौसला, मोटिवेट, पॉजिटिव ये चीज और हमें मेहनत, इन तीन चीजों के साथ चलना होता है। दोस्तों तो आशा करता हूं कि इन तीनों के साथ आप भी चलेंगे, और दूसरों को भरोसा करने से पहले एक बार खुद पर भरोसा करके अपनी बातों को सुनकर आप अपने फैसलों को पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं भी किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन मैं आपसे ये कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच। अगर आपने दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब किया तो हो सकता है कि आपको डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिले, जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं चाहेंगे, बट फिर भी अगर आपने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, और नहीं किया तो भी थैंक यू। दोस्तों इसी तरह जुड़े रहें, और आशा करता हूं कि आप आज नहीं पर एक ना एक दिन मैं आपके दिल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.